हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि किसी भी फोटो पे एंड्रॉइड में किस तरह से ग्रिड ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सिंपली प्ले स्टोर ओपन करना होगा एंड देन वहाँ सर्च करना होगा हमें ड्राइंग ग्रिड फॉर आर्टिस्ट। ये सर्च करने के बाद हमें इस ऐप पे क्लिक करना होगा एंड देन इंस्टॉल के ऑप्शन पे क्लिक करके उसे इंस्टॉल कर लेना होगा। तो मेरे पास इंस्टॉल्ड है तो मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको टॉप राइट कॉर्नर में एक फाइल का ऑप्शन मिलता है, उस पर हमें क्लिक करना है। देन अपने ड्राइंग के हिसाब से आपको वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन सेलेक्ट करके उसके बाद पेपर साइज हमें सेलेक्ट करना है, जो भी पेपर हमारे पास हो। तो मैं यहाँ A4 साइज सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन ओपन पे क्लिक करना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद हमें फ़ोटोज पे क्लिक करके जो भी फ़ोटो आपको सेलेक्ट करना हो, बनाना हो, उस पर हमें क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ ट्रिगर्ड इंसान का फ़ोटो लेता हूँ। उस फोटो पे क्लिक करने के बाद आपको क्रॉप का ऑप्शन मिलता है, उसे करने के बाद आपको राइट कॉर्नर वाले क्रॉप पे प्रेस कर देना होगा। क्रॉप पे प्रेस करने के बाद ग्रिड आ जाता है। उसके बाद हमें लेफ्ट कॉर्नर में एक ऑप्शन मिलता है मेन्यू बार, तो उसके हमें जाके ग्रिड का कलर चेंज कर सकते हैं। कलर जो भी आपको मन करे वो करके आपको ओके प्रेस करना है। फिर वहीं पर आपको एक ऑप्शन मिलता है साइज 1 सेल, तो उस पर जा करके हम साइज चेंज कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बेस्ट साइज होता है 10x25, तो मैं यहाँ पे इसका साइज 20 कर देता हूँ। उसके बाद आपको 20 साइज करने के बाद एक और ऑप्शन वहाँ पे मिलता है इफेक्ट्स का, तो वहाँ जाके हम फोटो को ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं या फिर आउटलाइन कर सकते हैं, और नॉर्मल तो है ही आपके पास। फिर उसके बाद इसमें जाकर के नीचे में नॉर्मल करने के बाद में उसी में नीचे में हमें मिलता है सेव का ऑप्शन, उस पर जाके हम इसे सेव कर सकते हैं या फिर आप सिंपली इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। तो ये हमारा रेडी हो गया स्केच बनाने के लिए। और ऊपर में हमें टॉप 3 ऑप्शंस मिलते हैं, डायगनल्स और लाइन्स और लेवल, तो इनसे हम उन तीनों को ऐड या रिमूव कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब।